गाइस, मैं सौरभ फिर से आ गया हूँ एक नए वीडियो के साथ, आपको कुछ बताने और कुछ दिखाने। सो गाइस, आज के इस ब्लॉग में मैं आपको मखर दिखाऊंगा जहाँ पे आपको चीप रेट में मिल जाएगा और फुट्टे का बना हुआ मखर रहता है। तो सबसे पहले हम सर आपका नाम बताइए। मेरा नाम श्याम शेंडकर है और आप सबका उत्सवी के प्रदर्शनी में आपका स्वागत है। ओके, और सर आपके शॉप में किस टाइप के मखर मिलते हैं? अच्छा, यहाँ पे अभी हमारा जो प्रदर्शनी चालू है लालबाग गणेश गली में है, और ये पूरे जो आप मखर देख रहे हैं ये इको फ्रेंडली पेपर के बने हैं। ये जो चार फुट्टे का पेपर होता है इससे मखर बनते हैं। उत्सवी ये जो संस्था है ये पिछले 20 ईयर्स से इको फ्रेंडली डेकोरेशन बना रहे हैं। तो जैसे आपने देखा कि हमारे जो मेन आर्टिस्ट है नाना साहेब शेडकर, ये पहला थर्माकोल में डेकोरेशन बनाते थे, जिसकी वजह से पूरे एरिया में, खेतों में, खलिहानों में जैसे प्रदूषण या पॉल्यूशन होता है उसकी वजह से हमारी जमीन खराब हो रही है। तो उन्होंने 2001 में खुद का कंपनी जो था थर्माकोल का वो बंद कर दिया और सबसे पहला इस टाइप का इको फ्रेंडली पेपर का डेकोरेशन बनाया। अभी डेकोरेशन का खासियत आप देखोगे तो ये पूरा पेपर का बना होता है, इसके ऊपर जो रंग संगीत है बहुत अच्छी है, बट ये पूरा फोल्डिंग होता है। तो जैसे इसको किसी ने विसर्जन किया या जमीन में डाल दिया तो ये बायोडिग्रेडेबल है, इसका पूरा डिस्ट्रॉय हो जाता है और इसका मिट्टी बन जाता है। दूसरी बात, ये पूरे डेकोरेशन ये फोल्डिंग आते हैं तो आप इसको फोल्ड करके इजीली कैरी कर सकते हो। तो जो भी लोग दूर दराज जाते हैं गांव में डेकोरेशन इजीली ट्रेवल कर सकते हैं, इजीली कैरी कर सकते हैं और उनको असेंबली भी बहुत आसान हो जाता है। सारा डेकोरेशन का जो वीडियो है वो यूट्यूब पे अपलोडेड है, तो आप वो देख के पूरा डेकोरेशन असेंबल कर सकते हो। और सर आपके शॉप में मकर का रेट क्या रेंज से स्टार्ट है? ये जो एग्जीबिशन लगा है यहाँ पे बहुत रिजनेबल रेट्स है। तो जैसे छोटा मूर्ति होता है 8 इंच का, 1 फुट का, उसके लिए हम 200 या 300 रुपए से डेकोरेशन अवेलेबल करके देते हैं। वो पूरा रेंज आता है फिर 25 फुट की सार्वजनिक मंडल के भी डेकोरेशन अवेलेबल है। तो जैसा बड़े बड़े सेट होते हैं जो थर्माकोल पीओपी का सेटअप है जो 5 लाख 10 लाख की कॉस्टिंग में जाता है, वो हार्डली 50,000-70,000 की रेंज में उत्सवी में मिल जाता है। तो सर मुझे ये बताइए, उत्सवी की जर्नी कैसे शुरू हुई? हमारे जो फाउंडर है नाना साहब शेंडकर, वो जेजे स्कूल ऑफ आर्ट से पास आउट है। तो इन 1974 उन्होंने सबसे पहला थर्माकोल में डेकोरेशन बनाना शुरू किया गणपति के लिए। उसके बाद उन्होंने 10-15 साल डेकोरेशन बनाए, पर जब उन्हें खुद को पता चला कि ये थर्माकोल डेकोरेशन जो है वो हमारे एरिया में पॉल्यूशन क्रिएट कर रहे हैं, तो उन्होंने वो चालू कंपनी बंद कर दी 2001 और इको फ्रेंडली का मखर शुरुआत किया। अभी आप नाना साहब का जर्नी देखेंगे तो उन्होंने इनिशियली ड्रामा सेट्स का डेवलपमेंट किया है, उन्होंने फिल्म्स में सेट्स का काम किया है, एग्जीबिशन लाइन में उन्होंने काम किया। तो बहुत एक 20-25 साल स्ट्रगल करने के बाद उनका जो भी 40 साल का एक्सपीरियंस है वो यहाँ पे उन्होंने यूज किया। एक समझ लीजिए कि पेपर का डेकोरेशन बनाने आसान चीज नहीं है, जैसे कोई मट्टी होगा या कोई भी वुडन का डेकोरेशन बनाना है तो इसमें हम लोग कार्विंग कर सकते हैं। पेपर ये बहुत लाइट वेट मटेरियल है, उसको खुद की ताकत नहीं होती है, तो पेपर में से एक 3D स्ट्रक्चर बनाना ये बहुत एक टेक्निकल काम हो जाता है। जैसे आप इमेजिन कर सकते हो कि एक पेपर के ऊपर दूसरा पेपर रख रहे ये इतना आसान होता नहीं। जैसे आप ये कलर्स देख रहे हो, ये बनाने के लिए इतने फोल्ड्स लगाने पड़ते हैं, तो पेपर हम लोग खाली काट सकते हैं या उसको फोल्ड मार सकते हैं बट उसे एक 3D मॉडल नहीं बना सकते। बट आप एक हर एक चीज में, हर एक डेकोरेशन में आप डिटेल्स या बारीकी से देखोगे तो आपको बहुत सारे वेरिएशन मिलेंगे। तो एक डेकोरेशन बनाने के लिए नाना साहब को कम से कम 6 महीना जाता है, क्योंकि उसका स्ट्रक्चर खड़ा करना और उसको सपोर्ट देना वही बहुत बड़ी अचीवमेंट हो जाती है। और उसके बाद आप जितने भी रंग संगति उसके ऊपर देख रहे हो वो खुद अपने हाथ से पेंट करते हैं। तो कोई भी आप डेकोरेशन देख लो, उन्होंने वाटर कलर या ब्रश से पेंट किया है, बाद में उसका प्रोडक्शन में जाता है, तो इस हिसाब से उसका मास प्रोडक्शन में आपको अवेलेबल हो जाते हैं। ओके थैंक यू सर, आपने आपका वैल्यूएबल टाइम निकाल के इतना अच्छा नॉलेज शेयर किया उसके लिए। तो एक एक करके अभी हम जानते और मकर देखते। थैंक्स सर। तो सबसे पहले सर आपका नाम बताइए। नमस्कार सर, मैं राजीव रेवणकर हूँ और मैं यहाँ पे एज अ पब्लिक रिलेशंस ऑफिसर काम करता हूँ। सो मैं यहाँ पे आपको इन्फॉर्मेशन देने के लिए अवेलेबल हूँ। तो सर ये किस टाइप के मखर है? सर इसे हम लोग एज अ मिनी मखर बोलते हैं या फिर शोपीस मखर बोलते हैं। बेसिकली क्या होता है ना, यूजुअली अगर आप किसी भी फेस्टिवल के घर में जाओगे, छोटे बच्चे होते हैं तो यूजुअली जो बड़े लोग होते हैं वो बोलते हैं बच्चों की को कि नहीं ये बीच में मत आओ, तुम लोग डेकोरेशन खराब कर दोगे या फिर कुछ गलती कर दोगे, तो बच्चों को दूर रखा जाता है। तो जो हमारे फाउंडर है श्री नाना साहब शेंडकर सर, तो सर का ये सोचना है कि जब बच्चे जब छोटे होते हैं उनको अगर हम लोग इन्फॉर्मेशन देंगे या फिर उनमें अगर हम लोग अवेयरनेस लाएंगे
तो बड़े होकर वो एज अ यू नो रिस्पॉन्सिबल सिटीजन बनेंगे। सो बेसिकली जब सर इको फ्रेंडली मखर बना रहे थे तो वो बहुत सारे स्कूल्स में वो विजिट करते थे और स्कूल्स को विजिट करके वहां पे वो वर्कशॉप लेते थे बच्चों के कि आप कैसे आपका मिनी मखर बना सकते हो, आप कैसे वहां पे छोटा सा बापा रख सकते हो। तो क्या है होता है एक बच्चे में भी एक इन्वायरमेंटल अवेयरनेस की यू नो भावना जाग जाती है। तो उसी की वजह से ये सारे जो सर ने जो डिजाइन बनाए हैं ये मिनी मखर है। ओके तो इसमें बहुत सारे यू नो वेरिएशन है जैसे कि गणेश महल है, वनराई है, सूर्य मखर है, देन ये मयूरासन है, देन कॉपर टेम्पल है, सिद्धि विनायक है। तो बहुत सारे सर इसमें वेरिएशन है। ओके सो ये हम लोग यूजुअली बच्चों को देते हैं और मतलब उन्हें बता अवेयरनेस करने के लिए। और इवन यू नो जिस घर में भी बड़ा गणपति भी रहेगा ना तो अगर आप छोटे बच्चों को भी एक मिनी मखर दे दोगे और उनको बोलोगे कि सर देखो आप ही बनाओ, और जब छोटे बच्चे वो मिनी मखर डिजाइन करते हैं ना और उसमें वो गणपति बाप्पा का छोटा सा प्रतिमा रखकर उसकी पूजा करते हैं तो उनको भी बहुत अच्छा लगता है, उनमें भी एक अच्छी फीलिंग आती है कि अरे हाँ ठीक है चलो मैंने भी अपना बापा सेलिब्रेट किया। तो वो मतलब मॉम डैड को भी थोड़ा सा परेशान नहीं करते हैं, एट द सेम टाइम उनको भी वो बहुत एक अच्छा जॉय मिल जाता है। सो और सर ये क्या रेट से स्टार्ट है मिनिमम? सर आप देखोगे ना तो बेसिकली ये जो हमारा मखर है 70 रुपीज, हाँ 70 रुपीज से लेकर 150 रुपीज एंड 200 रुपीज तक ये मिनी मखर अवेलेबल है। आप यहाँ पे हमारे यहाँ पे आ सकते हैं या फिर जो हमारे सेल्स नंबर है वहाँ पे भी इंक्वायरी कर सकते हैं आपके बच्चों के लिए। तो आप आपके बच्चों को भी मतलब ये मखर लाके दे सकते हैं, बहुत सस्ते में है और उनको भी थोड़ा सा मतलब ट्रेनिंग दे सकते हैं। तो यू नो नॉट जस्ट इंजीनियर और डॉक्टर लेकिन उनमें भी एक कहीं ना कहीं पे आर्टिस्ट छुपा हुआ होता है तो हमें उनको पुश करने की जरूरत होती है। सो दिस इज अ मोटो बिहाइंड दैट। ओके ओके तो सर एक इस टाइप के मखर है? सर देखिए अभी ये जो हमारे सारे मखर है ये भगवती गणपति के लिए छोटे जो मखर आते हैं वो है। तो हर एक मखर में ये जो हम लोग पहले मखर देख रहे हैं ये 24 गोल्ड मखर है। बेसिकली इसकी पार्ट के साथ अगर आप हाइट देखोगे तो 20 इंचेस है, मतलब ऑलमोस्ट 1.5 फीट का गणपति इसमें बैठ सकता है। एंड जो पार्ट की साइज है 11x16 है। तो अगर आपको ये गणपति का मखर बुक करना रहेगा या फिर अगर आपको ये मॉडल अच्छा लगा तो सिर्फ आप पार्ट का साइज आपका कितना है और पार्ट के साथ गणपति की हाइट कितनी जा रही है वो एक बार देख लीजिएगा। ओके सर ठीक है। तो आगे है हमारा सिद्धि विनायक मखर मॉडल नंबर 18। ये जो सिद्धि विनायक का मॉडल नंबर 18 है इसकी प्राइस है 990 रुपीज और पार्ट के साथ इसकी हाइट जा रही है 15 इंच और पार्ट की जो साइज इसमें लगेगी वो 8x12 लगेगी। ठीक है ओके सर। नेक्स्ट सर ये जो हमारा सेकेंड ये है मखर है इसकी प्राइस है 2990 सिद्धिविनायक मखर मॉडल नंबर 27। पार्ट के साथ गणपति की हाइट है 21 इंच और पार्ट की साइज इसको इसमें आपको लगेगी 12x15। ओके ठीक है सर। And now there is a grand entry. So as you can see, this is a grand Siddhivinayak Makhar. अभी यहाँ पे इसके प्राइस के बारे में आपको बता देता हूँ। इसकी प्राइस है 6900। पार्ट जो आपको इसमें लगेगा 27x18 और पार्ट के साथ गणपति की हाइट जो जाएगी वो 34 इंच तक की जाएगी। तो ये आप चेक कर सकते हैं। नेक्स्ट हियर वी आर सिद्धिविनायक 40 मॉडल नंबर 40 4950 इसकी प्राइस है। पार्ट के साथ गणपति की जो हाइट है वो 34 है और जो पार्ट की साइज जो इसमें आइडियली बैठेगी 18x27 की बैठेगी। ओके आगे हम लोग अभी ये हमारा सिद्धिविनायक हो गया ये हमारा सिद्धिविनायक का मॉडल हो गया एंड नाउ वी आर हेडिंग टुवर्ड्स सूर्य मखर। सूर्य मखर में हमारे पास दो मॉडल्स अवेलेबल है। सूर्य मखर का ये जो मॉडल नंबर 34 है एज यू कैन सी पार्ट के साथ गणपति की इसकी हाइट आएगी 28 इंच एंड पार्ट की साइज इसमें आपको आइडियली रिक्वायर्ड जो रहेगी वो 20x18 की रहेगी। ठीक है एंड इसमें सूर्य मखर जो थोड़ा सा छोटी साइज जो आप जैसे देख रहे हैं
तो इसमें सूर्य मखर का मॉडल नंबर 25 है, 1250 इसके चार्जेस है एंड पार्ट के साथ गणपति की जो हाइट आएगी 20 इंचेस है एंड पार्ट की साइज जो आपको रिक्वायर्ड रहेगी वो 15x13 रहेगी। ओके, एंड नाउ वी आर हेडिंग टुवर्ड्स ग्रैंड कॉपर टेम्पल। ग्रैंड कॉपर टेम्पल, या बेसिकली इसको कॉपर टेम्पल बोलते हैं, लेकिन इसको देखकर आपको साउथ के जो मंदिर रहते हैं, दक्षिण भारत के जो आपको मंदिर रहते हैं ना, उनकी याद आपको जरूर आ जाएगी। बिकॉज जो दक्षिण भारत के हमारे जो मंदिर है वहां पे जिस तरीके से डेकोरेशन किया जाता है ना, उससे ये बहुत इंस्पायर्ड है। सो हमारे पास कॉपर टेम्पल है जो मॉडल है 68, 5900 इसकी प्राइस है एंड एट ए सेम टाइम पार्ट की साइज है 32x24 और पार्ट के साथ गणपति की हाइट जो आनी चाहिए इसमें आइडियली 43 इंच तक या फिर 45 इंच तक भी आएगी तो भी एडजस्ट आसानी से हो सकता है। सो नाउ वी आर, यहां पे हमारे पास है ये थोड़ा सा छोटा कॉपर टेम्पल का स्ट्रक्चर है, जैसे कि आप देख सकते हैं 2900 इसकी प्राइस है, कॉपर टेम्पल मॉडल नंबर 48 और इसमें पार्ट की साइज जो है वो 21x16 रहेगी और पार्ट के साथ गणपति की जो हाइट जाएगी वो 27 इंचेस तक जाएगी। नाउ हियर वी कैन सी हमारे पास है फ्लोरासन। तो फ्लोरासन में बहुत सारे ऑप्शंस हैं, मिनी फ्लोरासन है, इससे बड़ा भी ये है। सो बेसिकली फ्लोरासन का मॉडल नंबर है 38, 1490 इसकी प्राइस है, पार्ट की साइज जो रहेगी 22x16 रहेगी, पार्ट के साथ गणपति की जो हाइट जाएगी वो 30 जाएगी। सेम इसमें मिनी फ्लोरासन भी है जो 650 का आपको अवेलेबल है, पार्ट की ये फ्लोरासन का जो ये है 27 नंबर का ये मॉडल है, पार्ट के साथ गणपति की हाइट जाएगी 20 और पार्ट की साइज रहेगी 15x13 और ये सबसे मिनी फ्लोरासन है अवेलेबल, 290 इसकी प्राइस है, फ्लोरासन नंबर 20 नंबर का ये मॉडल है, 290 इसकी प्राइस है, पार्ट के साथ गणपति की हाइट जाएगी 12 इंच तक और पार्ट की साइज रहेगी इसमें 12x10। नाउ जैसे कि हम लोग देख सकते हैं अभी हम लोगों ने छोटे मोटे घरगुती गणपति जो होते हैं घर में रखने वाले उनके रिगार्डिंग तो देख लिया, लेकिन जो बड़े गणपति मंडल है उनके लिए जो सेट्स अवेलेबल है हमारे उसके रिगार्डिंग हम लोग आपको अभी इन्फॉर्मेशन देने वाले हैं। एज यू कैन सी दिस इज अ ग्रैंड सेट फॉर गणपति। तो बहुत सारे जो गणपति मंडल होते हैं हमारे पास, बहुत सारे गणपति मंडल हमारे पास आते हैं, यूजुअली वो लोग कंप्लेंट करते हैं कि सर हमारा सेट थोड़ा सा छोटा है, सेट सर हम लोगों को बड़ा करना है या स्टेज का साइज बड़ा है, गणपति के साइज आपके इसके साथ मखर के साथ नहीं बैठेगा। तो उनके लिए हमारे सॉल्यूशन निकाला हुआ है हमारे फाउंडर सर ने कि ये जैसे आप देख सकते हैं ये सिद्धि विनायक और जयपुर जाली जिसको बोलते हैं उसका एक कॉम्बिनेशन है एंड एज यू कैन सी इससे बहुत बड़ा ग्रैंड सेट क्रिएट किया गया है। तो आप अगर देखोगे कि ये जो बीच में है इसको गाभारा बोलते हैं, जैसे भगवान का मंदिर होता है और जहां पे भगवान विराजते हैं उसको गाभारा बोलते हैं, तो ये जो बीच में है वो गाभारा है और उसकी हाइट बहुत ऊंची की गई है और उसको बाजू में जयपुर जाली लगाई गई है। तो ऐसे बहुत सारे गाभारे और बहुत सारे जयपुर जाली उनका कॉम्बिनेशन करके ये सारे हम लोगों ने मखर बनाए हैं, सॉरी ये मखर का सेट बनाया है। एंड आप जैसे कि देख सकते हैं बहुत बड़ा भी अगर आपका गणपति होगा तो भी वो यहाँ पे आ सकता है और आपके सेट के तो भी सर मैक्सिमम कितने फुट की गणपति आ जाएगी इसमें? आई गेस मतलब आपका 10 फुट का भी अगर गणपति रहेगा तो भी आप इसमें एडजस्टमेंट कर सकते हैं। ओके, बिकॉज उसका हाइट कम ज्यादा आपके गणपति के हिसाब से आपके स्टेज के हिसाब से हो सकता है। सो यहाँ पे आप जैसे देख सकते हैं बहुत अच्छा सा आपदागिरी लगाया है, तो ये भी आपके गणपति के साथ लगा सकते हैं। इसमें आप बहुत सारे एडिशंस जो होते हैं, जैसे हम लोग बोलते हैं कि आपको सिर्फ गणपति नहीं करना है, आपको गणपति के साथ फूलों का डेकोरेशन करना है, बांबू का डेकोरेशन करना है, उसमें और कुछ एडिशन करना है, फ्रूट्स का डेकोरेशन आपको ऐड करना है या फिर गणपति के आजू बाजू में आपको और कुछ सीनरी क्रिएट करनी है, तो उसके लिए भी बहुत सारा स्पेस अवेलेबल है, आप ये देख सकते हैं। देन जैसे कि यहां पे आप देख सकते हैं ये थोड़ा सा
जो बड़ा सेट है उसका मिनिएचर आप जैसे कि बोल सकते हैं सिद्धिविनायक जयपुर गाभारा, और इसका जो प्राइस है 7900 है। इसका आप देख सकते हैं पार्ट की साइज जो इसमें लगेगी 36x24 लगेगी, और पार्ट के साथ गणपति की हाइट जो जाएगी वो 42 इंच तक जाएगी। लेकिन इसमें भी आपके हिसाब से, आपके गणपति के हिसाब से आप इसको कम ज्यादा बहुत अच्छे से कर सकते हैं। ये भी बहुत बड़ा गणपति का सेट है, जैसे कि हमारे सर सेट डिजाइनिंग में बहुत बड़े माहिर है। तो बीच में सिद्धिविनायक है, बाजू में दो पिलर रखे हुए हैं आप देख सकते हैं अब्दागिरी के बाजू में, और बीच में जो लगाई है वो जयपुर जाली लगाई हुई है। तो एक बहुत बड़ा सेट इसे क्रिएट किया जा सकता है, जितना आपको रिक्वायरमेंट है उतना। दिस इज अगेन अ मिनिएचर ऑफ जयपुर महल। तो आप देख सकते हैं कि सिद्धिविनायक का एक महल और उसके बहुत सारे कॉम्बिनेशन करके ये महल क्रिएट किया गया है। तो आप अगर इसको देखोगे, इसको बनाना बहुत आसान चीज नहीं है, बिकॉज हमारे जो फाउंडर सर है जिन्होंने ये डिजाइन किया है, उन्होंने ये बहुत टाइम देकर शिद्दत से इस सेट को क्रिएट किया है। और आई गेस दिस इज अ ब्यूटिफुल वर्क, कि आपको ये देखने के बाद श्योरली राजस्थान के जो महल होते हैं उनकी याद जरूर आ जाएगी। जी सर। एंड एज यू कैन सी बिहाइंड मी, इसको जयपुर जाली का सेट बोलते हैं, इसको जयपुर जाली सेट बोलते हैं 52। एंड थर्माकोल में अगर आप ये सारा सेट बनाने जाओगे आराम से 3 लाख रुपए, या फिर प्लास्टर ऑफ पेरिस से 3 लाख रुपए तक जाएगा। थर्माकोल में आप अगर बनाने के लिए जाओगे आराम से 1 लाख रुपए या फिर उससे ज्यादा जाएगा। उत्सवी ने आपके लिए 14,000 रुपए में, सिर्फ नाम मात्र 14,000 रुपए में आपके लिए लाया है। अगर से फॉर एग्जाम्पल अगर आपके मंडल का थोड़ा सा बजट का इशू है, अगर आपको लगता है नहीं थोड़ा सा बजट कम है लेकिन हम लोगों को सेट अच्छा बनाना है, गणपति बड़ा है तो हम लोग क्या करें, तो एट दैट टाइम यू कैन चूज दिस डिजाइन। अच्छा, जैसे कि आप मेरे पीछे देख सकते हैं फ्लोरासन है, और ये फ्लोरासन का बहुत बड़ा साइज है आपका। अगर गणपति बड़ा है 3-4 फीट का है तो आप इसमें बिठा सकते हो। और फ्लोरासन का ये जो मॉडल नंबर है 60 है, 3800 में ये अवेलेबल है। पार्ट के साथ आपके गणपति का हाइट जाएगा 48 तक, और पार्ट की आपकी साइज जाएगी वो 36x30 की है। सो सिर्फ ये फ्लोरासन नहीं है, इस फ्लोरासन थीम के साथ भी आप बहुत सारे यू नो डेकोरेशन इसमें ऐड कर सकते हैं, जैसे कि फूल है या फिर फूल और पत्ते का डिजाइन है, वो अगर आप 3 साइड से अगर लड़ी छोड़ते हो तो वो भी और अच्छा दिखता है। कुछ कुछ लोग होते हैं जो बीच में से झूमर छोड़ते हैं। महाराष्ट्र के कोंकण रीजन में एक प्रथा होती है जिसको माटोली बोलते हैं। माटोली मतलब जो यू नो जंगल के फ्रूट्स होते हैं उसको एज अ यू नो गुड साइन या फिर एज अ गुड सिम्बॉल करके गणपति भगवान के सिर के ऊपर लगाया जाता है। तो एज यू कैन सी बिहाइंड मी, ये छत्रपति शिवाजी महाराज का गढ़ किला है, इसको सार्वजनिक गढ़ किला बोलते हैं। मॉडल नंबर है 76 और इसका प्राइस है 49,000। अगर यही मॉडल आप प्लास्टर ऑफ पेरिस में बनाने जाओगे आपको आराम से 4 लाख रुपए में पड़ेगा, थर्माकोल से बनाने जाओगे तो 2 लाख रुपए पड़ेगा। लेकिन हमारे पास सिर्फ 49,000 में ये मॉडल अवेलेबल है। इसमें आप अगर देखने जाओगे तो जैसे कि मखर की फुल जो हाइट है 138 है, और इसमें पार्ट की साइज जो आपको आएगी वो 96x72, मतलब बहुत जो बड़ा गणपति है उत्सव के लिए वो इसमें बैठ सकता है। और स्पेसिफिकली सर आप सभी को जैसे पता ही होगा महाराष्ट्र के आराध्य देवत है गणपति भगवान, और महाराष्ट्र में सबसे पूजनीय जिनको हम लोग कहते हैं छत्रपति शिवाजी महाराज, तो छत्रपति शिवाजी महाराज उनका गढ़ किला और उनका स्वराज्य ये दिखाने के लिए ये सारा गढ़ किला डिजाइन किया गया है। इसमें आप अगर देखोगे तो छोटी छोटी झलकियां जैसे कि राजगढ़ है, बीच में मंदिर है ये आपको दिखेगा, बाजू में जैसे कि आप देख सकते हो सिंधुदुर्ग है जो समुन्द्र में बनाया हुआ किला है छत्रपति शिवाजी महाराज का, उसी के साथ सिंहगढ़ है। तो ये बहुत सारा इंस्पिरेशंस लिया गया है गढ़ को डिजाइन करने में। इसी के साथ जैसे कि भाल है, तलवार है, इसको यू नो इंस्पिरेशन लेकर इसको पूरी अच्छी सी तरीके से क्रिएट किया गया है। तो इसमें आप बहुत सारे वेरिएशंस कर सकते हैं। अभी जैसे कि हम लोगों ने 75th इंडिपेंडेंस डे मनाया, आजादी का अमृत महोत्सव,
तो बहुत सारे लोगों ने जो हम लोगों से गढ़ किले लेके गए थे, जिन्होंने जो घर पे डिजाइन करने वाले, बहुत सारे लोगों ने हम लोगों को बताया कि सर हम लोग अभी जब गणपति के लिए सेट डिजाइन करेंगे तो उसमें हम लोग यू नो इंडिया का फ्लैग भी लगाएंगे, या फिर जैसे कि कारगिल का वॉर होता है तो कारगिल का वॉर भी हम लोग बीच में रिक्रिएट कर सकते हैं इसके। एंड सबसे अच्छा आपको अगर मैं दिखाना चाहूं तो छत्रपति शिवाजी महाराज उनका मिनिएचर जो किला है, और छत्रपति शिवाजी महाराज का ये जो हम लोग बोल सकते हैं कि दरबार भरा हुआ है, ऐसा एक थोड़ा सा हम लोगों ने एक इफेक्ट क्रिएट किया है उसमें, तो ये भी आप इसमें यूज कर सकते हैं आपकी क्रिएटिविटी के हिसाब से, आपके टेस्ट के हिसाब से। एज यू कैन सी बिहाइंड मी, दिस इज अ छोटा मयूरासन जिसका मॉडल नंबर है 27 1990, इसकी प्राइस है। पार्ट के साथ अगर गणपति की आप हाइट देखने जाओगे 21 इंच है, और पार्ट की साइज जो है 15x10 है। तो इसमें अगर आपका छोटा सा गणपति, छोटा क्यूट बेबी वाला गणपति है, बहुत अच्छा इसमें यू नो आ सकता है। एट द सेम टाइम अगर आपका गणपति थोड़ा सा बड़ा है, गणपति भगवान की मूर्ति, तो आप ये जो बड़ा सूर्यासन है, सॉरी माफ कीजिए, ये जो बड़ा मयूरासन है मॉडल नंबर 39, आप इसको देख सकते हैं। इसकी प्राइस जो है वो 2990 है, और इसमें पार्ट की साइज आपकी जाएगी 14x21, और जो पार्ट के साथ गणपति भगवान की जो हाइट जाएगी वो 32.5 तक जा सकती है आराम से। इसमें भी आप बहुत सारे वेरिएशंस कर सकते हैं, अगर आपको लगता है कि यू नो फूलों की लड़ी छोड़नी है पीछे के साइड से, या फिर पत्तों की लड़ी छोड़नी है वो आप तीन साइड से छोड़ सकते हो, फूलों की आगे से भी डेकोरेशन कर सकते हो, आरास जिसको बोलते हैं मराठी में, तो वो आप कर सकते हो। जैसे कि आप अभी मेरे पीछे देख सकते हैं चार जयपुर जाली का ये जो जयपुर सेट अवेलेबल है, इसमें चार जयपुर जाली है, प्राइस है 1960। इसके साथ मेरे अगर आप पीछे देख सकते हो उत्सवी झूला मकर है, ये बड़ा झूला मकर है, इसका जो मॉडल नंबर है 66 है, इसका प्राइस है 5900। ये जो मॉडल है इसको आप तीन तरीके से यूज कर सकते हो, जैसे कि हम लोग बोलते हैं श्री कृष्ण जन्माष्टमी के वक्त आप इसको यूज कर सकते हो, देवी के वक्त यूज कर सकते हो, और बट ऑब्वियसली गणपति के वक्त आप इसको यूज कर सकते हो। इसके नीचे सिर्फ आपको यही करना है, आपको इसके नीछे अच्छा सा पार्ट लगाना है, या फिर अगर आप इसके नीचे ईट भी लगा देंगे तो भी फिक्स हो जाता है, हिलता नहीं है जगह से, आराम से गणपति या फिर देवी का मूर्ति आप इस पर रख सकते हैं। अच्छा, जैसे कि आप मेरे पीछे देख सकते हैं ये छोटा झूला मखर है 57.5 वाला, प्राइस है 3900। तो इसके साथ ही अगर आपका गणपति थोड़ा छोटा है लेकिन अगर आपको थोड़ा सा और अच्छा डेकोरेशन करना है तो उत्सवी झूला मखर जो है वो भी आप परचेस कर सकते हैं। एंड नाउ वी आर हेडिंग टूवर्ड्स 3D गणेश महल। तो 3D गणेश महल एक बेसिकली गणपति भगवान उनका महल, और इसमें अगर आप देखोगे बीच के साइड में तो 3D इफेक्ट आता है। सो इसको 3D इफेक्ट आता है, और बहुत अच्छे से शिद्दत से बनाया गया मॉडल है गणपति 3D महल। तो 3D गणेश महल मॉडल नंबर 38, प्राइस है 4450। बाकी आप मेरे पीछे जैसे देख सकते हैं जो जयपुर जाली ही है, लेकिन जो चार का सेट था वो अभी ये तीन का सेट हो गया है, एक में अष्टविनायक है और दूसरे में नर्तकी का जो डिजाइन है वो लगाया गया है। देन इसको बोलते हैं नवरंग मकर। नवरंग मकर बड़े साइज में भी अवेलेबल है, तो नवरंग मकर का जो है वो ये मॉडल है 21 नंबर का, 990 इसका प्राइस है। और गणेश महल 3D मॉडल नंबर 24, ये थोड़ा सा छोटा मॉडल है, 1490 इसका प्राइस है, जो आप हमारे वेबसाइट से ऑर्डर कर सकते हैं अगर आपको चाहिए हो तो। जैसे कि आप मेरे अभी पीछे देख सकते हैं इसे कहते हैं सुवर्ण मकर, तो पूरा गोल्ड का इसमें डिजाइन किया गया है। इसका प्राइस है 1490। इसके ज़रा डिटेल्स अब फिलहाल अवेलेबल नहीं है, लेकिन आप हमारे वेबसाइट पे इसके रिगार्डिंग इन्फॉर्मेशन या फिर इंक्वायरी डाल सकते हैं, तो हमारी सेल्स टीम जो है वो आपको इन्फॉर्मेशन दे देगी। अगर आप मेरे पीछे आओगे तो ये है गढ़ किला, जैसे कि आपने बड़ा गढ़ किला देखा था, तो ये थोड़ा सा मिनिएचर है गढ़ किला का, मॉडल नंबर है 38 3450 इसकी प्राइस है। और पार्ट की इसमें जो आप देखोगे पार्ट की साइज अगर इसमें जाएगी 16x24, और गणपति की जो हाइट जाएगी वो 33 है।
और अगर आपको इसमें और बड़ा मॉडल चाहिए है, सो दिस इज अ बड़ा मॉडल गढ़ किला मॉडल नंबर 38 4450 प्लस 300 ये इसके चार्जेस है। पार्ट की साइज इसमें आपको लगेगी 18x24 और पार्ट के साथ गणपति की इसमें हाइट जो जाएगी वो 33 है, तो ये आप देख लीजिएगा। लेकिन ये बहुत अच्छा और खूबसूरत मॉडल है, अगर आपके घर में थोड़ा सा ज्यादा स्पेस है तो आप इस मॉडल को ट्राई कर सकते हैं आपके कुछ डेकोरेशन के लिए, और बहुत सारे आप इसमें वेरिएशन कर सकते हैं। जैसे कि मैंने पिछले बड़े गढ़ किले में बताया था, आप इंडिया का फ्लैग इसमें लगा सकते हैं, या फिर जो कारगिल का बॉर्डर है वो दिखा सकते हैं, आर्टिफिशियल आप इसमें ग्रास ऐड कर सकते हैं, या फिर जो सैंड होता है सी सैंड होता है वो डाल सकते हैं, सी शेल्स डाल सकते हैं, कलर्ड स्टोन डाल सकते हैं, बहुत सारे वेरिएशन है, इवन फ्लावर्स डाल सकते हैं, तो वो बहुत सारे जो आपके डिजाइन है आपके टेस्ट के हिसाब से वो आप इसमें ऐड कर सकते हैं गणपति भगवान के साथ। आप जैसे कि मेरे पीछे देख सकते हैं इस मॉडल को कहते हैं वनराई, तो वनराई का ये जो मॉडल नंबर है 44 है और इसमें पार्ट के साथ गणपति की आपकी हाइट आएगी 33, पार्ट की साइज जो आपकी आएगी वो 18x24 आएगी, 4600 इसकी प्राइस है। सबसे बड़ा वनराई है और बेसिकली ये वनराई का मतलब क्या है, जो हमारा जो कॉज है इन्वायरमेंटल कि यू नो पोल्यूशन को कम करना, निसर्ग को बचाना, या फिर जो ग्रीनरी है उसको वैसे ही सेव करना, सो बेसिकली उसी यू नो थॉट से निकला हुआ ये जो मॉडल है वनराई। इंडिया के जो घने जंगल है जिनको हम बोलते हैं, तो इसका पूरा आपको इसमें नजारा मिल जाएगा, जैसे कि पैरट्स है, यू नो बर्ड्स है, एनिमल्स है, ये सारे आपको इसमें दिख जाएंगे। तो जो नेचर लवर है वो इस मॉडल्स को ट्राई कर सकते हैं। इसी के साथ और दो मॉडल्स भी अवेलेबल है, वो भी हम लोग आपको दिखा रहे हैं। ये जैसे मेरे पीछे देख रहे हैं आप गणपति भगवान, और गणपति भगवान के साथ वनराई मॉडल है 38 नंबर का, इसका प्राइस है 3900। पार्ट के साथ गणपति की जो हाइट है वो 27 जाएगी और पार्ट की जो साइज जाएगी वो 24x18 जाएगी। बहुत सारे इसमें एनिमल्स हैं, तो आर्टिफिशियल ग्रास डालकर या फिर जो हम लोग बोलते हैं कि और आप कुछ एडिशन कर सकते हैं इसमें और इसको और डेकोरेट कर सकते हैं आपके हिसाब से। और सबसे मिनिएचर मॉडल जो जैसे आप मेरे पीछे देख रहे हैं, ये मिनिएचर मॉडल है वनराई का, मॉडल नंबर 26 एज यू कैन सी 1490। पार्ट के साथ गणपति की जो हाइट है वो 15x12 है और पार्ट के साथ गणपति की जो सॉरी ये पार्ट की साइज आपकी जाएगी 15x12, पार्ट के साथ गणपति की जो हाइट है वो 18 रहेगी। तो आप इस छोटे मिनी मॉडल को भी ट्राई कर सकते हैं अगर आप नेचर लवर है तो। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, इसे कहते हैं कोकण मखर मॉडल नंबर 36 1250। पार्ट की साइज आपकी जाएगी 18x24 और पार्ट के साथ गणपति की इसमें हाइट जो जाएगी वो 34 जाएगी। बेसिकली अगर आप देखोगे महाराष्ट्र का जो यू नो समंदर से सटा हुआ रीजन है जिसको कोंकण बोलते हैं, तो वहां पे यूजुअली बहुत सारी बारिश होती है, बहुत सारी ग्रीनरी ज्यादा होती है और जो घर के स्ट्रक्चर होते हैं वो यूजुअली यू नो कॉल के होते हैं, या फिर हम लोग मराठी में उसको कॉल बोलते हैं, लेकिन यू नो क्या बोलते हैं पिरामिड साइज जो रूफ रहते हैं पिरामिड के जैसे शेप के वैसे इसके रूफ रहते हैं। तो पूरा अगर आप इसको देखोगे कोंकण में जो बनने वाले जो मंदिर है इसका आपको यू नो वहां पे एक अंदाज आ जाएगा। तो बीच में जैसे कोंकण में घर होते हैं उनके सामने तुलसी वृंदावन है, या फिर जो फ्लावर्स है पेड़ है, देन पिकॉक है, बहुत सारे जो यू नो नेचुरल ब्यूटी है वो उसको इसमें ऐड कर दिया गया है। और जो सारे साउथ इंडिया के मंदिर या फिर जो कोंकण रीजन के मंदिर है उनकी एक इसमें आपको झलकी देखने को मिलेगी। एज यू कैन सी मेरे पीछे मराठी में हमारे सर ने लिखा है झाड़े झुड़पे म्हणतात आम्हाला तोडू नका, मतलब पेड़ बोल रहे हैं आपको हमें मत तोड़िए, नदी नाले म्हणतात आम्हाला बुझू नका, मतलब नदी नाले जो है नेचुरल वाटर रिसोर्सेस है आपको बोल रहे हैं प्लीज आप हमें मत बुझाओ या फिर आप हमारे साथ छेड़खानी मत करो। पक्षी प्राणी म्हणतात आम्हाला मारू नका, जो बेजुबान जानवर है या फिर जो पंछी है वो आपको बोल रहे प्लीज हमें आप मत किल कीजिए, हम लोग बहुत यू नो कम होते जा रहे हैं। एंड जो मराठी में लिखा है धरती म्हणते आमच्या लेकरांना बेघर करू नका, मतलब धरती माँ बोल रही है मेरे जो बाकी के बच्चे हैं प्लीज आप उनको बेघर मत कीजिए, आप उनको मत मारिए। तो ये हमारा संदेश हम
के वीडियो के थ्रू देना चाहते हैं। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं बाजू में, एक साइड में दिखाया गया है पहले पूरा जो जंगल था, अब उसको काट काट कर शहर बन रहे हैं, लेकिन शहर के साथ बीच में झोपड़पट्टी है और शहर जो है वो कम होता जा रहा है। जैसे कि आप अगर मुंबई में देखोगे, संजय गांधी नेशनल पार्क जो था एक टाइम पे बहुत बड़े लेवल पर था, लेकिन आज वो श्रिंक हो रहा है, तो उसकी वजह से बहुत उसमें से जो लायंस है या फिर चीता है वो अब बाहर आ रहे हैं, बिकॉज उनको खाने के लिए नहीं मिल रहा है, उनका जो घर है वो छोटा होता जा रहा है। सो इस वीडियो के थ्रू हम लोग आपको यही रिक्वेस्ट करेंगे, थोड़े से इन्वायरमेंटल कॉन्शियस बनिए। धरती का जो टेम्परेचर है वो बढ़ रहा है, हम लोगों ने एक लक्ष्य रखा है कि जीरो कार्बन एमिशंस, सो प्लीज उस चीज को सपोर्ट कीजिए और ज्यादा से ज्यादा इन्वायरमेंटल फ्रेंडली चीजों को यूज कीजिए। कुछ सालों पहले तक, 100 सालों पहले तक शायद हम लोग इतना थर्माकोल या फिर प्लास्टिक यूज नहीं करते थे। जैसे जैसे नए इन्वेंशन आए, हम लोगों ने उनको ब्लाइंडली यूज करना स्टार्ट किया है, लेकिन पॉल्यूशन बहुत ज्यादा बड़े लेवल पर बढ़ रहा है। सो उत्सवी के माध्यम से हम लोग आपको रिक्वेस्ट करेंगे या फिर आपकी वीडियो के माध्यम से हम लोग आपको रिक्वेस्ट करेंगे कि प्लीज इन्वायरमेंटल कॉन्शियस बनिए, बिकॉज हमारे आने वाली जो पीढ़ियां है वो इस चीज को भुगतेंगी। सो प्लीज हेल्प अस, थैंक यू सो मच। और थैंक यू सर, आपने इतना आपका वैल्यूएबल टाइम निकाल के इतना अच्छा नॉलेज शेयर किया उसके लिए। और सर, अगर कोई ऑनलाइन ऑर्डर करना चाहता तो कैसे कर सकता है? बहुत सिंपल है सर, आप डायरेक्टली www.utsavi.net पर जा सकते हैं, वहां पे हमारे सारे मॉडल्स देख सकते हैं, उनकी इन्फॉर्मेशन देख सकते हैं, आप हमें ऑर्डर कर सकते हैं। हमारा जो सेल्स नंबर है 8655111000, इस पर आप हमें व्हाट्सएप पे हाय भेज दीजिए, हमारी सेल्स टीम आपको कोऑर्डिनेट करेगी और आपकी जो भी क्वेरी होगी वो सॉल्व की जाएगी, आपका जो कुछ ऑर्डर होगा वो भी आप वहां पे दे सकते हैं। और सर, डिलीवरी कहां तक होता है, मतलब मुंबई के अंदर? डिलीवरी सिर्फ, देखिए सर, अभी धरती का ऐसा कोई कोना नहीं बचा है जहां पे डिलीवरी नहीं गई है हमारे मकर की, सिर्फ आई गेस अंटार्कटिका और आर्टिक छोड़कर बहुत सारे जो देश है वहां पे हमारी डिलीवरी ऑलरेडी जा चुकी है, बिकॉज जो सारे बहुत सारे NRI है जो गणपति फेस्टिवल एब्रॉड में भी सेलिब्रेट करते हैं, वो भी हमारे पास से ऑर्डर दे देते हैं और हम लोग वहां पे उनको डिलीवरी करवा देते हैं। सिर्फ आपको शिपिंग चार्जेस जो रहेंगे या फिर कुरियर चार्जेस जो रहेंगे वो आपको देने पड़ेंगे। और सर, इधर का एड्रेस एक बार बता दो। इधर का एड्रेस जो है वो लालबाग में अगर आप आएंगे, गणेश गली किसी को भी बोलिए, बहुत फेमस है, और प्रभा कुटीर, ये जो हमारे बिल्डिंग का नाम है, प्रभा कुटीर आप बोल देंगे, लाडू सम्राट के पीछे बहुत फेमस साइन है लाडू सम्राट, तो वहां पे आप आ जाएंगे, उसके पीछे की गली में अगर आप आ जाएंगे तो है। इसके साथ मैं आपको एड्रेस भी प्रोवाइड कर दूंगा या फिर आप जो हम आपकी लिंक रहेगी उसमें भी हमारा एड्रेस और कॉन्टेक्ट डिटेल्स डाल सकते हैं।